ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल पेज नंबर 261 पर 8 सवाल हैं। इसमें से पहला सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 0.1 नैनोमीटर। सही है, किसी वेव की जो वेव लेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर है। इट्स स्पीड इज 3×10^8 और इसकी स्पीड 3×10^8 है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सही है, एक वेव है, ऐसे करके वेव है, उसकी जो वेव लेंथ है यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना दिया हुआ है, 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनो का एन और मीटर का एम। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये रोशनी है, दरअसल रोशनी की स्पीड इतनी होती है। ठीक है, जब भी 3×10^8 स्पीड आए तो आप समझ जाइए ये बात किसकी हो रही है, रोशनी की। वेव्स भी रोशनी की है और उसकी स्पीड भी रोशनी की है। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो हमारे पास डेटा क्या बनेगा सादा। सबसे पहले हम कह रहे हैं लैम्डा जो है वो 0.1 नैनोमीटर है। कितना है, तो नैनोमीटर को मीटर बनाने के लिए नैनो को जब हटाएंगे तो 10^-9 आ जाएगा। याद रखिएगा, 10^-9 क्या होता है, नैनो होता है। 10^-6 क्या होता है, माइक्रो होता है। सही, 10^-3 क्या होता है, मिली होता है। तो 10^-3 मिली, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो और 10^-12 पीको। ठीक है, ये चार कम से कम याद रखें आप। 10^-3 मिली, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो, 10^-12 पीको। तो जब नैनो आया तो मैंने नैनो को हटा के क्या लगा दिया, 10^-9 और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। हमें फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दी गई, सॉरी वेलोसिटी और वेवलेंथ दी गई है। वेवलेंथ इसको कहते हैं, वेवलेंथ यानी दो फराज के दरमियान फासला। और मालूम करने के लिए कहा गया फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मल्टीपल। ये बात आपको भूलनी नहीं है, सारे सवालात में तकरीबन ये लॉजिक यूज हो रही है कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की। हमने सबक पढ़ा था जब, तो आपको बताया था कि इसके लैम्डा में और इसकी फ्रीक्वेंसी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल को जब आपने कांस्टेंट निकाला था तो पता वो कांस्टेंट क्या आया था, वेलोसिटी आई थी। ठीक है, तो ये फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। मैंने v की जगह क्या लिखना है, 3×10^8 और f हमें मालूम करना है, और लैम्डा की जगह क्या लिखना है, 0.1×10^-9। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इसको यहाँ रहने दें, इसको नीचे ले आएँ, 3×10^8 ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी, 0.31 0.3×10^-9। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले आऊँ तो ये 10^-का क्या हो जाएगा, 10। तो 3 ऐसे आ गया, 10^8 ऐसे आ गया, और ये 10 जो 10 हो गया, पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ लेकर आया तो ये कितना हो गया, 10^-10। 10^-10 को ऊपर ले आओगे तो क्या आएगा, 10^+10। सही है, दोनों मिलके कितने हो गए, 10^18। क्या जवाब आ रहा है, 18 ही आ रहा है। बुक में देखें क्या जवाब आ रहा है, यही। तो इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, Hz। तो हमारे पास क्या जवाब निकला, फ्रीक्वेंसी बराबर है 3×10^18 हर्ट्ज। उतारिए। ठीक है भाई, अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा है? अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स 256 टाइम्स ईच सेकेंड। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है? अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उस वीडियो में एक ऐसा आला था, सही है, जिसको मारते हैं तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इस आले को आप क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क, सही है। ये आला प्रैक्टिकल के लिए यूज होता है, जब आप आवाज पैदा करना चाहते हैं तो दरअसल आप क्या करते हैं, इस पे हिट करते हैं। जैसे ही इस पे हिट करते हैं तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है और आवाज पैदा करता है। ज्यादा तेज मारेंगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली या बुलंद आवाज। अच्छा, फिर हर ट्यूनिंग फॉर्क जो है, आप हैरान होंगे जब आप खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये 400 हर्ट्ज का है। क्या मतलब? तो आप इसको मारेंगे तो ये एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगा? 400 बार। आप बोले हमें 400 वाला नहीं 300 वाला चाहिए, तो 300 वाला अलग होगा। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आइए सवाल की तरफ। सवाल में कह रहे हैं कि अ ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट 256 टाइम ई सेकेंड, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256। ठीक है, आगे। एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, और ये जो वेव प्रोड्यूस करता है आवाज, इन दो कॉलम्स के दरमियान जो फासला है वो 1.3 मीटर है, यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके बराबर है? 1.3 मीटर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव। आपको टाइम पीरियड निकालना है और वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है। तो डेटा हमें क्या बना? डेटा फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 256। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 1.3 मीटर। और हमसे क्या कहा गया है कि इसका टाइम पीरियड निकालिए और वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालिए। इसी चीज क्या बोलिए? वेलोसिटी मालूम करना। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको सवाल में कराते वक्त कहा था कि एक फार्मूला याद रखें, वो क्या है? वेलोसिटी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के। अब हमें वेलोसिटी तो आसानी से मालूम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256, और लैम्डा कितना है? 1.3। जरा मल्टीप्लाई करें दोनों को, 256 को 1.3 से। ये इसकी वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो मालूम हो गई, दूसरा क्या पूछा उन्होंने? टाइम पीरियड। आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का उलट होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ, तो टाइम पीरियड में मैंने ऐसे लिखा टी, और 1/f की जगह क्या लिखूंगा? 256। जरा 1 को 256 से डिवाइड करें, 1/256, क्या जवाब आ गया? 3.9062। जरा 10 की पावर माइनस थ्री सेकेंड। तो ये इसका आ गया टाइम पीरियड और ये आ गया इसका वेलोसिटी। बता रही है, ठीक है जी। तीसरा सवाल हमारा है, अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एन एएम रेडियो वेव्स हूज फ्रीक्वेंसी इज 1230×10⁻³ हर्ट्ज एंड एन एफएम रेडियो वेव हूज फ्रीक्वेंसी इज 91.09×10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, तो एक जो रेडियो स्टेशन है वो दो टाइप की आवाज़ की लहरें हवा में छोड़ रहा है, सही है। एक है एएम और एक है एफएम। आपने सुना एफएम रेडियो, सही है। एफएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और एएम रेडियो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अगर आप रेडियो पाकिस्तान देखना चाहें, ये रेडियो पाकिस्तान है, तो वो किस में भेजते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी? एएम में।
और इलाकाई तौर पर कराची के अंदर आपको रेडियो भेजने की फ्रीक्वेंसी भेजनी है तो वो किस में भेजी जाती है, एफएम में। एफएम की फ्रीक्वेंसी बहुत कम फासले तक के जो रेडियो चैनल्स होते हैं वो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे मुल्क के अंदर कोई वेव्स भेजनी है तो फिर एफएम नहीं होती, वो क्या होती है, एएम होती है। ये बात क्लियर हो गई। इस तनाजुर में देखिए कि वो दो चैनल चला रहे हैं, एक एएम भी चला रहे हैं और एक एफएम भी चला रहे हैं। एएम जो चला रहे हैं उसकी जो वेव्स वो भेजते हैं, यानी ये जो वेव्स भेज रहे हैं साउंड की, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताइए ज़रा, 1230 यही है, ज़रा 10³ हर्ट्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जो एफएम भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 91.1, ये और इससे भी थोड़ी छोटी हो गई समझ लो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 91.9 ज़रा 10⁶ हर्ट्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और ये उसके मुकाबले में कम फ्रीक्वेंसी है, तो ये दो भेज रहे हैं। आगे सवाल में पूछा क्या है, पढ़ें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वेव। ये जो वेव है ना, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इसके दरमियान जो फासला है वो मालूम करना है, यानी लैम्डा मालूम करना है इसके लिए भी और लैम्डा मालूम करना है इसके लिए भी, सही है। यानी ये जो एएम की वेव जा रही है उसके दो क्रेस्ट के दरमियान क्या फासला मौजूद है, इसी तरीके से एफएम की जो फ्रीक्वेंसी जा रही है, वेव जा रही है, उसके क्रेस्ट के दरमियान क्या फासला मौजूद है, जबकि दोनों की वेलोसिटी कितनी दी गई है, स्पीड तो बताएं, 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकंड, यही है आखिरी में जो लिखा है, दोनों की स्पीड ये है, 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आइए डेटा बनाते हैं। ये सवाल, दो सवाल हैं, ये कितने सवाल हैं, एक एएम के लिहाज से आपको सवाल हल करना और एक एफएम के लिहाज से सवाल करना। तो हम सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, 4 AM, एएम के लिए कर रहे हैं। एएम के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, मैंने F1 लिया है फ्रीक्वेंसी को, वो कितनी है, 1230 × 10³ हर्ट्ज। अच्छा, स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कौन सा किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। मालूम क्या करना, लैम्डा, लैम्डा वन मालूम करना है। ये किसके लिए मालूम कर रहे हैं हम, एएम के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के, फ्रीक्वेंसी वन लैम्डा वन, हमको लैम्डा वन मालूम करना है तो लैम्डा वन किसके बराबर होगा, ये फ्रीक्वेंसी नीचे चले जाएगी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वन। वैल्यूज पुट करते हैं, लैम्डा वन ऐसे लिखा फ्रीक्वेंसी की जगह पे, 1230 × 10³ और आपका फ्रीक्वेंसी की जगह पे, गलत लिखा मैंने, वेलोसिटी लिखनी है ऊपर, वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁸ और नीचे क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1230 × 10³ 10³ से 10³ कट गए, क्या बचा, 3 को 1230 से तकसीम करें, 3 × 1230 2.4 × 10⁻¹० कितनी है, -3 10⁻¹ का, ये इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड आ गया, ये 10⁻¹ ऐसे आ गया ऊपर वाला और ये 10⁻±3 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा।
ठीक है ना। तो अगले स्टेप में ये तीन और तीन कितने हो गए, छः, आठ में से छः क्या कितने बचे, दो। तो वेवलेंथ आ गई 2.43 × 10²² मीटर। पॉइंट इधर ले जाएंगे तो दो खत्म हो जाएंगे ये। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकली, 243 मीटर। ये एम की वेवलेंथ है, ठीक है। यही काम आपको किसके लिए करना है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, 91.9। सारा प्रोसेस यही होगा। आप वहां लैम्डा 2 ले लीजिएगा, हेडिंग क्या लगाएंगे, 4 FM। और यही सारा काम किसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है, करें, ठीक है। हम आ गए सवाल नंबर 4 पर। सवाल क्या ले कह रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें, हुज लेंथ इज 144 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो तस्वीर इसकी ऐसे बनेगी कि ये एक पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी दी गई है, 144 सेंटीमीटर है, सही। अब मैं जब इसको यहाँ से कहीं पे भी लाके छोड़ूं तो आपको पता ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम देगा। यहाँ से पकड़ के यहाँ से लाके छोड़ूंगा तो क्या होगा, ऐसे चलेगा। तो ये एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करता है, इसका टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। अच्छा ज़रा मुझे बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूं तो ये एक चक्कर जितने टाइम में लेगा, और अगर मैं इसको यहाँ ला के छोड़ूं तो एक चक्कर जितने टाइम में लेगा, एक जैसे होंगे अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे, ये अजीब बात है, समझ में आ रही बात आपको। मैं अगर यहाँ पे लोहे का गोला बांधूं और अगली बार में मैं यहाँ पत्थर बांधूं और अगली बार में यहाँ मैं प्लास्टिक का मोती बांधूं, सही है, तो आपके ख्याल में सबका टाइम पीरियड एक जैसा होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा होगा, सबका टाइम पीरियड क्या होगा, एक जैसा होगा, पता नहीं एक जैसा होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, अच्छा इसमें हमें डेटा में क्या दिया हुआ, लेंथ, लेंथ क्या दी गई है, 144 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाने के लिए 100 से तकसीम कर दें, जवाब क्या आ जाएगा, 1.44 मीटर। मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बताइए, 2π√L/g, यही होती है। तो आप देखिए टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, लेंथ चेंज होगी टाइम पीरियड चेंज। जब मैं इसको यहाँ से ला के छोड़ रहा हूँ तब भी लेंथ कितनी है, 144। जब मैं इसको यहाँ से ला के छोड़ूंगा तब भी लेंथ कितनी है, इसका मतलब ये हर सूरत में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सेम इसी तरीके से मैंने कहा, मैं अगर इस पर लोहे का गोला बांध दूँ, एक बार मैं इसमें सिल्वर का गोला बांध दूँ, एक बार इसमें मैं प्लास्टिक का गोला बांध दूँ, गोलों की तब्दील करने से टाइम पीरियड पे कोई असर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड का कोई ताल्लुक मास से नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है मैं अगर लेंथ बढ़ाऊंगा 144 से 150 करूंगा तो टाइम पीरियड बदलेगा, वरना टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। तो आइए फार्मूले में रखते हैं टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड बराबर है 2π की जगह क्या लिखेंगे, 22/7, लेंथ कितनी है, 1.44, और डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8। ज़रा मुझे बताइए, 22 × 44 हो गया, 44/7, और एक 1.44 को 9.8 से डिवाइड करें, 1.44 को 9.8 से, और इसका फौरन
146 0 point 0.14 क्या बोल रहे हो? 0.14 क्यों बोल रहे हो आप लोग? 44 को 7 से, अच्छा सॉरी मैंने 1.44 को, ओके ओके 1.44 को तकसीम करा किससे? 9.8 से, तो जवाब आ गया 0.1469 और इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? 0.383। इसको मल्टीप्लाई कर दें 44 से और जो जवाब है उसको तकसीम कर दें 7 से, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 44 से और जो जवाब आया उसको तकसीम कर दिया किससे? 7 से, तो जवाब आ गया तकरीबन 2.40। तो टाइम पीरियड कितने निकला? 2.40 सेकेंड। ठीक है, उतारिए।